हमारे चैनल एलान टाइम्स में आपका इस्तकबाल है। मैं आपका मेजबान अब्दुल हमीद साहिल। बात करेंगे बिहार की। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार, जो सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं, जिनके लिए मशहूर है कि वो जो कहते हैं उस पर अमल करते हैं, उन्होंने कई बार ये दावा किया कि बिहार में काफ़ी विकास हो रहा है, वहाँ पर तरक्की की शराब बहुत तेज़ है। लेकिन जो वीडियोज़ और जो फोटोज़ हमारे पास और जो खबरें आई हैं, उससे उनके दावों की कलई खुल जाती है। हमारे पास कुछ वीडियोज़ आई हैं मधुबनी ज़िला के करारा पंचायत की, वहाँ के गांव बिरदीपुर उसके आसपास के इलाकों की, कि वहाँ जब सैलाब आ जाता है, बाढ़ आती है, तो वहाँ की क्या हालत होती है। वहाँ पर जो पुल है जो उस गाँव को दूसरे गाँव से जोड़ता है, दूसरे बाज़ारों से जोड़ता है, 30 साल पुराना पुल है, जो इस बरसात में, इस सैलाब में बुरी तरह से ढह चुका है और वहाँ से आना जाना बड़ा ही मुश्किल हो गया है। बता दें कि वहाँ के लोगों को इस कदर तकलीफ होती है, वो उनका एक ही चीज़ कहना है, उनका मानना है कि 30 सालों से यहाँ विकास नाम की कोई चीज़ नहीं हुई, ना ही विकास का कोई काम वहाँ होता नज़र आया है। पिछले दिनों हमने आपको उसी इलाके की एक वीडियो दिखाई थी कि एक बारात खड़ी है, दूल्हा तैयार खड़ा हुआ है, लेकिन रास्ते में पानी भरा हुआ है। जो रास्ता आधे घंटे से 40 मिनट तय होना था, वो नाव के जरिए 3 से 4 घंटे में तय किया गया। आज भी वहाँ के लोगों को एक दिक्कत है या परेशानी है, वो साफ साफ कहते हैं कि हमें अगर बाज़ार जाना है, कुछ घर के लिए सौदा सामान लेके आना है, बाज़ार से कुछ चीज़ें खरीदनी है, तो जो सफ़र हम 1.5 घंटे 1 घंटे में तय करते थे, अब नाव के जरिए उसे 4 से 5 घंटे में तय करना पड़ रहा है। काफ़ी दिक्कतों का सामना है। बाढ़ आने पर वो लोग एक तरह से बाज़ार से या दूसरे इलाकों से कट कर रह जाते हैं। सड़कों की हालत इंतहाई खस्ता है, इमारतों के गिरने का डर लगा रहता है, फसलें तबाह हो जाती हैं। इस वीडियो को, जो वीडियो वहाँ से आई, उन्हें देखकर और तस्वीरों को देखकर आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि नीतीश कुमार जो इलाके में, जो बिहार रियासत में तरक्की का दावा करते हैं, विकास का दावा करते हैं, जब एक इलाका ही उनसे नहीं संभल पा रहा है, तो पूरे बिहार की क्या हालत होगी। बहुत से वीडियोज भी आपके सामने आ चुके हैं बिहार की बाढ़ के, जिनसे अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। हमारा काम है इस तरह के मसाइल को आपके सामने पेश करना, और जो जुल्म हो रहा है, जो ज्यादती हो रही है गरीबों के साथ में, और विकास के नाम पर जो खोखले दावे किए जा रहे हैं, वो हम आपके सामने खूब उसकी तस्वीर लाकर पेश कर देते हैं। इस तरह के वीडियोस और खबरों के लिए देखते रहें हमारा चैनल।